डॉक्टर दीपक केड़ेकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। हमारा हॉस्पिटल है अकोला में महाराष्ट्र, जहां हम मनोविकार सेक्स रोग इनका और व्यसन का इलाज करते हैं। यहां रिश्तेदारों के समेत हम लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को हम भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सबको मानसिक स्वास्थ्य मिलना और व्यसन मुक्त भारत निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य है कि सबका मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा रहे, मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, और सबका मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा रहे तो उनको मानसिक बीमारी भी होंगी नहीं, होने की संभावना कम हो जाएगी। और उसके अंतर्गत मैं आप बताने वाला हूँ आज कुछ ऐसे इजी वेज या कुछ ऐसे स्टेप्स कि जिससे अपना मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम पीसफुल लाइफ जी सकेंगे, खुशी की लाइफ जी सकेंगे, बहुत मजे की लाइफ जी सकेंगे। उसमें कुछ पॉइंट है। नंबर एक कि भाई ऑलवेज स्टे हंग्री। स्टे हंग्री इसका मतलब क्या है कि भाई हरदम आप भूखे होना चाहिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ही इनएडिक्वेट हो, रेस्टलेस हो और उसके लिए मरमर कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। मतलब आप खुश हो, समाधानी हो, शांति है दिमाग में, मगर आप भूखे हो कुछ तो भी मिलाने के लिए, कुछ तो भी पाने के लिए कि नहीं मैं इसके सिवा चलाऊंगा नहीं, मेरा इसके सिवा होगा ही नहीं, मैं तो मिला के ही रहूंगा। तो आप जब हंग्री रहते हैं, भूखे रहते हैं वो चीज मिलाने के लिए, भूख प्यास मतलब ऐसी लगती है कि जैसा बिल्कुल एक आदमी भूखा है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो यदि रहा तो वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है, उसको समाधान, उसको सफलता कोई भी बात में मिल सकती है। दूसरा है कि लोग ऐसा बोलते हैं, नंबर दो का पॉइंट है, दूसरा ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई बहुत लंबी उम्र है अपनी, करेंगे आराम से करेंगे। मैं बोलता हूँ उम्र बहुत छोटी है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हमको मालूम नहीं कि हम कब मरने वाले हैं, पता नहीं हमारा टाइम कब आएगा। हमारे एक परिचित डॉक्टर है, उनका अभी अभी मतलब चलते फिरते थे, सुबह बात किया, घूमे फिरे, कुछ काम किया और सडनली खड़े खड़े खलास हो गए, मर गए, हार्ट अटैक आ गया। हमारा समय ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारे पास में समय है मगर समय बहुत छोटा है। ये आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि भाई वी आर गोइंग टू डाई डेफिनेटली, और वो डाई जो है वो कब मतलब कब मर जाएंगे मालूम नहीं है। तो जो भी काम है वो फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके मानसिक स्वास्थ्य, समाधान, मन की शांति उसमें पाओ, ताकि हम बहुत ऊंचाई पे हम जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो है आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस यदि आपका कुछ चीज के ऊपर है तो डेफिनेटली वो चीज आपको हासिल करने में सहायता होगी, मदद हो जाएगी उसमें, और डेफिनेटली आप करेंगे फोकस यदि रहा तो, क्योंकि फोकस जो है वो कुछ भी है, मतलब कुछ भी आपको मिला के दे सकता है। मैं हरदम एग्जांपल देता हूँ कि सर्कस में हम देखते हैं, सर्कस जब आती है हमारे शहर में तो हम देखते हैं कि भाई एक रस्सी बांधी रहती है एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक, और रस्सी के ऊपर एक व्यक्ति चलता है और वो हाथ में ऐसा बड़ा बाम्बू लेके चलता है और वो धीरे 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 एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है और नीचे कभी भी वो गिर सकता है। उसको भी जब पूछा तो भाई आपको डर लगता नहीं है कि आप नीचे गिर जाओगे, तो बोलता है कि हमको ट्रेनिंग ऐसा मिलता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना वो साइड में है, तो मुझे वो साइड में जाना है तो मैं वहां पहुंचूंगा करके मेरा फोकस वहां है, मेरे को नीचे जाने का नहीं, मेरा फोकस नीचे नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, जहां जाना है वहां फोकस होना जरूरी है, जहां जाना नहीं है वहां देखने का नहीं है। और जब ऐसा करेंगे आप और आपका फोकस रहेगा, दो तीन चीजें चार चीजें कर रहे, चार जगह हाथ मार रहे, उसके बदले में एक ही जगह पे हाथ मारा, एक ही जगह फोकस रखा, और वो काम आपका बिल्कुल सफल हो जाएगा। कल्पना करो कि मेरे हाथ में ऐसे मतलब ऐसी दो मेरी उंगलियां हैं और आपके हाथ में भी मैंने बॉल दिया और बोला कि दोनों उंगलियों को एक साथ वो बॉल लगना चाहिए, तो संभव है? बिल्कुल ही संभव नहीं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, मैं बॉल मारूंगा तो एक ही उंगली को बॉल लग जाएगा, क्योंकि फोकस एक रहा तो अपनी सफलता जरूर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है कि भाई आपको फेक करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। एक लाफ्टर क्लब है, लाफ्टर क्लब में लोग आते हैं और बहुत जोर जोर से हंसते हैं और अलग अलग तरह के हंसियां मतलब हंसी वो मतलब हंसते रहते हैं, अलग उनके अलग अलग तरह की हंसी में प्रेजेंटेशन मतलब देते हैं वो इसलिए कि भाई हमको खुशी भी नहीं है और तभी भी हम हंस रहे हैं, तभी भी हम खुश है, तो हमारे ब्रेन को वैसे सिग्नल जाते हैं और ब्रेन को ऐसे सिग्नल चले गए तो ब्रेन वो मुताबिक आपको खुश कर देगा। तो फेक इट टिल यू मेक इट। आप खुश भी नहीं है, आप उदास भी है, मगर मैं उदास हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा जब आप बोलते हो तो आप सच्ची उदास हो जाते हो। आप जो भी बोलते हो वो सही हो जाता है, आप जो भी फील करते हो वो सही हो जाता है। हमारे परिचित डॉक्टर है, काफी अमीर है, बहुत पैसा है, प्रैक्टिस भी बहुत चलती है, मगर उनका कभी भी मिले
तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं हमारा क्या बहुत छोटा काम है, आपका तो क्या बहुत बड़ा काम है, आप तो बहुत बड़े हो, हमारा तो क्या बहुत छोटा सा है, हमारा इतना कुछ खास नहीं है, ऐसा हरदम मतलब उनका बोलना जो हमारा इतना आपके इतना अच्छा नहीं है, ऐसा हरदम बोलना, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा है सब। तो जब आप ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास में क्या इतना पैसा थोड़ी है, हमारा काम बहुत छोटा है, ऊपर से गॉड बोलता है कि तथास्तु, वो हो जाएगा और सच्चे वो हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मराठी में बोलते शुभ बोल रहे नारे, इसका मतलब ऐसा है कि अच्छा बोलो, शुभ बोलो, आप शुभ बोलते जाएंगे, आप ऐसा फेक करेंगे। हम बोलते कि नहीं फेक मत करो, कहीं की जगह बोलते फेक जहां फेक करने से अपने आप को फायदा होता है, जहां अपनी पर्सनैलिटी बदल सकती है, अपने आप को यदि फायदा हो रहा है, फायदा कौन सा, अपने बीइंग में, मतलब अपने होने में, हम जो बोलते हैं ना कि आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी एंथुजियास्टिक, तो ऐसा अपने आप को फायदा जहां हो रहा है तो वहां फेक करो, तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां से आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना है कि भाई आप जो जब शांति का क्षण होता है, मतलब जैसा वॉर में बोलते हैं ना, तो वॉर कब, वॉर की तैयारी कब होती है, वॉर जीता कब जाता है, तो जो जंग है वो जीता जाता है पहले कमरे में, कमरे में पहले जीता जाता है, मतलब कमरे में पूरा प्लान बनता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनती है, और पेपर के ऊपर पहले जंग जीता जाता है। उसकी तैयारी कब होती है, जंग जीतने की तैयारी कब होती है, जब जंग नहीं है चालू, जब वॉर चालू नहीं है तब तैयारी होती है। तो एक्चुअली प्रैक्टिस कब करना है, कोई भी चीज की, मैच जब है तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, मैच के पहले प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप पसीना ज्यादा बहाओगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा चांस है आपको जीतने का, जंग जीतने का बोलो, खेल में बोलो, या कहीं भी आपको कुछ जीतना है, तो आप जितना भी अपना पसीना बहाओगे, जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो उस समय आपको मतलब सफलता मिल सकती है। एक जो स्पोर्ट्समैन था वो बोलता था कि भाई मैं जब मेरा जो अपोनेंट है वो जब दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है और जो वो फील्ड पे है, तो फिर मैं कैसे सो सकता हूँ, क्योंकि वो दौड़ रहा है तो मैं कैसे सोऊंगा, तो मैं काम करूंगा और मैं भी दौड़ूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, और वो मेरा अपोनेंट यदि सो रहा है फिर तो मुझे ज्यादा ही दौड़ना है, क्योंकि अभी वो सो रहा है तभी मैं उसके आगे जाने के लिए भी मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ज्यादा प्रैक्टिस करके उससे मैं आगे जा सकता हूँ, मतलब वो दौड़ रहा है तभी मेरे को दौड़ना है, वो सो रहा है तभी मेरे को दौड़ने का है। हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता। हमारे देश में लोग ज्यादा से ज्यादा 45 घंटे या 40 घंटे काम करते हैं हफ्ते भर में। आपको यदि सफल होना है तो सवेरे 6 से शाम को 6 तक या सवेरे 6 से रात को 8 तक काम करो, और वो हार्डवर्क है, और हार्डवर्क स्मार्ट वर्क से करो, स्मार्ट वर्क के तरीके से करो, कर रहे हैं आप स्मार्ट वर्क, मगर वो नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग। ऐसा बोलते कि अमेरिका में करीब करीब 10 से 12 घंटे रोज जो बड़े बड़े लोग हैं, मल्टी बिलियनर जो लोग हैं वो 10-12 घंटे रोज काम करते हैं। तो वही आप काम करते हो ज्यादा, और आप जितना ज्यादा पसीना बहाते हो उतनी ज्यादा सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। फिर और एक पॉइंट मुझे बोलने का है कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, मतलब आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो वो हो जाएगा। यदि आपका विश्वास ऐसा है कि मेरे से ये होगा नहीं, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे से मुझे सफलता मिलेगी नहीं, मुझे ये संभव नहीं है, ऐसा पूरा पक्का विश्वास हो गया, तो फिर आपको डेफिनेटली वो सफलता आपको मिलेगी नहीं और आप सफल नहीं हो पाओगे। मगर यदि वही, और यदि सचमुच आपको असफलता मिली है, सचमुच आपने मैच लॉस कर लिया है, सचमुच आपको फेल्योर आ गया, तो करना क्या चाहिए, छोटी छोटी बात के ऊपर काम करो और छोटी छोटी सफलता हासिल करो, और वो लिख के रखो कि मैंने यहां सफलता मिले, मैंने यहां सफलता मिले, या मैंने यहां सफलता, छोटी बात होगी, उससे क्या होगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप धीरे 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 बड़ी बड़े 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 काम हाथ में ले लो और आपको सफलता मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि भाई ऑलवेज बी सराउंडेड बाय गुड बुक्स, गुड वीडियोस, गुड फ्रेंड्स। ऐसा बोला जाता है कि आपके आस पास में कितने, कौन से लोग है बताओ, मैं आपको बताता हूँ आपका स्वभाव क्या है। आपके आसपास में 5 लोगों का स्वभाव मेरे को बताओ कि उनका स्वभाव क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपका स्वभाव क्या है। आपके आसपास में जो लोग हैं, 5 लोग, उनकी संपत्ति, उनकी वेल्थ, उनके पास कितने पैसे कितने हैं मेरे बताओ, मैं बताता हूँ आपके पास में कितने पैसे होंगे। ऐसा बोला जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपको हरदम ये देखना है कि रोज सुबह आप कम से कम 1 घंटा कुछ ना कुछ बुक्स अच्छा पढ़ेंगे, इंस्पिरेशनल बुक्स, वीडियोज देखेंगे, या कोई इंस्पिरेशनल टॉक सुनेंगे, और ये आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुद को विजुअलाइज करेंगे, कुछ ना कुछ खुद को सूचनाएं देंगे अच्छी अच्छी, तो डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए वो मिल सकता है। तो आपका जो सुबह का टाइम है
वो अच्छी किताबें, वीडियोस, टॉक सुनना, एक्सरसाइज करना, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एक घंटा ये काम के लिए दो, देखो आपकी जिंदगी में इतना परिवर्तन आ जाएगा आप कभी सोचेंगे भी नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य। मैं आप बताता हूँ आपको कि भाई आप ये इस तरह का मैंने बताया वो आप करते रहते हो तो डेफिनेटली आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा, आपके आजू बाजू लोगों को मिलेगा और मानसिक बीमारी आपके आसपास भी नहीं फिरकेगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।